जागरूक भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। शहर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने रविवार तड़के पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाया। शहर के जगने से पहले ही पुलिस ने अलग अलग पॉइंट पर मोर्चा संभाला और सघन जांच अभियान शुरू कर दिया। पुलिस आयुक्त अजय तोमर साहब के निर्देश के मुताबिक शहर के 5 थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमों ने कॉम्बिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने हथियारों के साथ 7-8 जनों को गिरफ्तार में लिया है और 8 वाहन भी जब्त किए। इस अभियान में पुलिस इंस्पेक्टर सहित करीब 75 पुलिसकर्मी थे। शहर में अपराध की रोकथाम के साथ साथ असामाजिक तत्वों को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर साहब के निर्देश पर शहर पुलिस इन दिनों कॉम्बिंग अभियान शुरू कर रही है। रविवार तड़के यह अभियान सचिन GIDC पांडेसरा खटोदरा और उमरा पुलिस थाना क्षेत्रों में शुरू हुआ। रविवार तड़के ही सभी एंट्री तथा एग्जिट पॉइंट पर वाहन चेकिंग कॉम्बिंग की कार्यवाही की गई, जिसमें रेम्बो छुरे तथा चाकू सहित घातक हथियार के साथ साथ असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। मिली हुई जानकारी मुताबिक रविवार तड़के 4 से 6 बजे तक 8 पुलिस सब इंस्पेक्टर तथा उपरोक्त सभी थानों के कुल 76 पुलिसकर्मी की अलग अलग टीम बनाई गई और सचिन GIDC पांडेसरा खटोदरा और उमरा पुलिस थाना क्षेत्र में 515 घरों की तलाशी ली गई। इसके अलावा सभी एंट्री तथा एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी और रिफ्लेक्टर जैकेट तथा बैटन लाइट के साथ साथ सज्ज होकर सरप्राइज वाहन चेकिंग तथा कॉम्बिंग किया गया, जिसमें रेम्बो छुरे चाकू सहित घातक हथियारों के साथ साथ 8 अपराधियों को पकड़ा गया। इनके अलावा बिना नंबर प्लेट और फॉल्टी नंबर प्लेट वाले 8 वाहन जब्त किए गए। इस दौरान नशे की हालत में पकड़कर कार्यवाही की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, सूरत।